विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते। नमस्कार, हमारी खास पेशकश या देवी सर्वभूतेषु में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृतिका मिश्रा। आज हम माँ के पांचवें स्वरूप यानी कुष्ठमांडा की दिन की बात करेंगे। माँ के इस दिन की पूजा कैसे करें, कैसे उनकी स्तुति करें, ये भी जानेंगे, जिसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य CS पटाक। पंडित जी, आज माँ कुष्ठमांडा का दिन है, तो आज क्या कुछ इस देवी का स्वरूप है इसके बारे में कुछ विस्तृत जानकारी दीजिए। कृतिका, एक ऐसा समय था जब सृष्टि में चारों तरफ अंधकार व्याप्त था, कहीं कुछ नहीं था। देवी भागवत में कुष्ठमांडा देवी का बहुत अच्छा वर्णन है। अच्छा, क्या हो रहा है ना कि यदि देवी के बारे में हमें कोई जानकारी चाहिए जी, तो देवी भागवत का अध्ययन करना होगा। शिव जी के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो हमें शिव पुराण का अध्ययन करना चाहिए, और शिव से जुड़े हुए गुप्त रहस्य यदि आपको जानना है तो शिव सूत्र का अध्ययन करना चाहिए। ऐसे बहुत विलक्षण लोग होते हैं जिन्होंने शिव सूत्र का अध्ययन किया हो। कुष्ठमांडा की हम बात कर रहे थे, अंधकार चारों तरफ, कहीं कुछ नहीं, मतलब प्रलय काल की जो स्थिति होती है वो स्थिति थी। प्रलय के बाद कुछ नहीं, ना सूर्य ना चंद्रमा ना नक्षत्र, आसमान खाली, चारों तरफ जब अंधकार था तब देवी कुष्ठमांडा की उत्पत्ति हुई थी। अब कुष्ठमांडा मतलब अंडाकार, एक अंडा जिसके अंदर जीव की उत्पत्ति होती है। लौकिक, ये पौराणिक बात होगी, लौकिक धारणा से यदि हम देखें तो कुष्ठमांडा मतलब वो सारे स्त्री और पुरुष जो कि गर्भाधान करने में या कराने में कैपेबल होते हैं, ये उनकी देवी होती है वास्तव में। तो यूं यदि हम देखें पौराणिक दृष्टि से तो कुष्ठमांडा मतलब हम सब उसी देवी के अंडज हैं। वो पहला जीव था, वो पहला अंडा था, वो पहली हमारी माँ थी, जिसके बाद पूरी सृष्टि आगे बढ़ती गई। कुष्ठमांडा देवी जो है उनके भी 8 हाथ हैं, और वो भी आसुरी शक्तियों का नाश करने के लिए ही उनकी उत्पत्ति हुई थी, साथ में सृष्टि की रचना के लिए। अब चूंकि सृष्टि जो है वो तो प्रलय के जल में सब समाप्त हो चुकी थी, सब समा गया था, नए सिरे से उसकी उत्पत्ति करना। श्रीमद् भागवत पुराण में सृष्टि की उत्पत्ति को लेकर और देवी कुष्ठमांडा को लेकर बड़े अच्छे अच्छे दृष्टांत और वृतांत आते हैं। एक उसमें ये भी आता है कि ब्रह्मा जी ने को जब ये अधिकार मिला, उनको ये आदेश मिला कि श्री हरि विष्णु का कि आपको सृष्टि की रचना करना है, तब सृष्टि की रचना बिना स्त्री के संभव नहीं है ना, माता तो किसी को बनना पड़ेगा ना। अब कुछ ऐसी स्थितियां निर्मित हुई कि सृष्टि पुरुषमय होती गई। भगवान ब्रह्मा ने अपने मानस से 4 पुत्र पैदा किए, उसके बाद उनसे कहा कि आप अपना दाम्पत्य जीवन निर्वाह करें और सृष्टि की रचना करें, लेकिन वो चूंकि ब्रह्मा के मानस पुत्र थे तो वो तो जन्म से वैरागी थे, तो उन्होंने अपनी जो आयु थी उसको स्थिर कर लिया, वो 5-5 वर्ष के बालक के समान रहे और बस विष्णु भक्त हो गए, संन्यास्त हो गए। फिर कुछ ऐसा सोचा कि कुछ ऐसा हो जिससे कि पुरुष अट्रैक्ट हो, आकर्षित हो, तब उन्होंने देवी की रचना की, स्त्री की रचना की, और उसका जो प्रारंभ जो है उसकी जो उत्पत्ति है कुष्ठमांड के रूप में की, कि एक जीव जो है, एक जो अंडा है वो ये हो गया, और उसके बाद फिर इनके जो अंडा जो आगे बढ़ते जाएंगे। तो इस तरीके से देवी कुष्ठमांडा की, और सीधा सा ये मान ले प्रलय के बाद जो पूरी सृष्टि की प्रथम माता है वो कुष्ठमांडा है जी। पंडित जी, माँ कुष्ठमांडा की उपासना कैसे की जाए, क्या कुछ पूजन विधि माँ की उपासना में होनी चाहिए? कुष्ठमांडा की उपासना यदि कोई विशेष तरीके से करना चाहे तो कुष्ठमांड मतलब कद्दू जी, सीधा सा कद्दू का हलवा होता है, कद्दू के पेड़े बनते हैं, उनका भगवती को भोग लगाएं। प्लस जीवन में ऐसा भाव आप लेकर आए,
कद्दू का एक स्वभाव होता है, तुमने देखा कद्दू? हाँ जी सब्जी खाई है? हाँ हाँ बिल्कुल हाँ। आप कद्दू को यदि वो पूरा है, वो उसको काटा नहीं है, तब उसको ले जाकर रख दें, वो खराब नहीं होता जब तक कि उसको बीच में से काटा नहीं जाए, है ना। तो वो हमारा जो भौतिक शरीर जो है उससे जुड़ा हुआ वो पूरा मामला है, उसके पीछे जो रहस्य वो है कि आप अपनी जो ऊर्जा है, हमारा जो पूरा जो भौतिक शरीर है उसमें आप अनाहत पर स्थित हो जाएं, दोनों हाथों को आप ऐसे रखें और हम क्या करें, हमारे अनाहत को, हमारी ऊर्जा को हम बंद करके रखें। तो जब तक ये बंद है तब तक सुरक्षित है, तब तक शुद्ध है, तब तक वो पवित्र है। और जैसे ही आप इससे बाहर निकले, बाहर निकले मतलब ये कि आप इस लौकिक जीवन को जिए, काम करें, पैसा कमाएं, पढ़े लिखें, विवाह करें, संतान उत्पत्ति करें, अपना वंश बढ़ाएं और आखिरी में मृत्यु का प्राप्त हों, लेकिन उसके बाद भी आप इन सब चीजों से मुक्त रहें, आप अनाहत में स्थिर रहें। कुष्मांडा का ये अर्थ हुआ। तो भगवती की उपासना करने का सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप अपने अनाहत को पर अपने ध्यान जो है उसको लगाएं, और भगवती दुर्गा का जो चतुर्थ विग्रह है उसे कुष्मांड का आप भोग लगाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। माँ कुष्मांडा की पूजा उपासना के ऐसे कौन कौन से उपाय करने चाहिए जिससे हमारे जीवन में हमें लाभ प्राप्त हो? वाकार विधि से दुर्गा सप्तशती का आपको पाठ करना चाहिए। वाकार विधि जो एक विलक्षण विधि है, एक अलग तरीका होता है सप्तशती के पाठ करने का। सप्तशती मतलब जिसमें 700 श्लोक हो, सप्तशती का एक श्लोक मतलब एक प्रयोग है ना। सप्तशती का एक एक श्लोक एक एक बीज मंत्र के समान है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा लिखा हुआ है सप्तशती में कि यदि कोई साधक कोई जातक सप्तशती के एक श्लोक का 20 से 25 हज़ार जप कर लेता है तो वो मंत्र जो है, वो जो श्लोक है, वो स्वतः सिद्ध हो जाता है और आपके अंदर हीलिंग पावर आ जाती है। इससे आपको खुद को तो लाभ हो गई लेकिन आप किसी दूसरे को भी हील कर पाते हैं, है ना, दूसरे का भी उद्धार कर पाते हैं। वाकार विधि से यदि आप सप्तशती का पाठ करें तो आप, यदि कोई आपका बहुत बड़ा अभिष्ट हो, तो यदि कोई आप बहुत घोर संकट में फंसे हो, तो पहले दिन से ही आपको उस क्रम से पाठ, ये वाकार पद्धति जो है वास्तव में क्रम पाठ करने का। पहले दिन पहला अध्याय, सप्तशती में कुल 13 अध्याय है, पहले दिन पहला अध्याय किया, दूसरे दिन 2 अध्याय किए, दूसरा और तीसरा, तीसरे दिन सिर्फ 1 अध्याय करेंगे आप चतुर्थ, चौथे दिन 5वां 6ठा 7वां और 8वां 4 पाठ आप करेंगे, 5वें दिन 9वां और 10वां पाठ करेंगे, 6ठे दिन मात्र 1 पाठ 11वां करेंगे, 8वें दिन बाकी के जो पूरी सप्तशती जो है उसको आपको 8वें और 9वें दिन जो है उसको पूरा पूरा पढ़ना है। इस तरीके से 9 दिन आप आकार विधि से इस पद्धति से आप पाठ करिए, आप देखिए कि आपके जीवन के जो भी अभीष्ट हैं वो फलित होंगे, साथ ही जो बड़े बड़े संकट, जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है, इस दौरान क्या हुआ है कि बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं, बहुत सारे व्यापारियों का व्यापार ठप हो गया है और भी बहुत सारी समस्याएं आई है, तो उन सब से निजात पाने के लिए, मुक्त होने के लिए आप इस अद्भुत प्रयोग को करके देखिए। इसका आपको एक तो मानसिक रूप से शांति तो बहुत मिलेगी ही मिलेगी, आपका जो मनोदशा जो है उसमें तो एक स्थिरता आएगी, उसमें तो एक कूलिंग आएगी, लेकिन साथ में आपके अंदर एक ऊर्जा का प्रवाह भी होगा। पूरा जो खेल है कृतिका वो सिर्फ ऊर्जा का है, यदि आप अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी कर लेते हैं, जब भी आप अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाने लगते हैं, नवरात्रि का जो त्योहार होता है ये वास्तव में हमारी ऊर्जा को ऊपर उठाने के लिए ही हमारे ऋषि मुनि मनुष्यों ने इसको गढ़ा है। जी माँ, का कुष्ठमांडा का पूजन किन जातकों को फलदायी होगा, या कहें किन राशि वालों को किस तरीके से माँ अम्बे को प्रसन्न करना चाहिए? कुष्ठमांडा सबसे उत्तम ये है कि वो सारे लोग जिनको संतान उत्पत्ति में कोई कष्ट होता है खास करके, उनके लिए कुष्मांडा देवी की जो उपासना होती है, जो आराधना होती है, वो सर्वोत्तम कही गई है। इस दौरान जो बटुक हो बालक, या वो सारी बालिकाएं जो 8 या 10 साल से छोटी हो,
जो टावर की श्रेणी में आए उन्हें बुलाकर बहुत प्रेम से उनको भोजन कराएं। यदि बालिकाएं हैं तो उनके चरण वंदन करके दक्षिणा दें, और यदि बालक है तो आपको सिर्फ उसे उसको जो भी उसको पसंदीदा भोजन है वो आप भोजन कराइए और कोई भी उसको दक्षिणा दे दीजिए। ऐसा यदि कोई जातक करता है तो उसको निसंदेह बड़ा फल मिलता है और भगवती की कृपा से संतान की प्राप्ति होती है। माँ कुष्मांडा की उपासना के लिए और कौन कौन से ऐसे उपाय करने चाहिए और कौन से उपाय नहीं करना चाहिए जिससे हमें नुकसान ना हो, इस तरीके से कुछ विस्तृत जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। कुष्मांडा देवी की आराधना उन लोगों को अवश्य करना चाहिए। अभी ये क्या हो रहा है कि जो समय चल रहा है ये बहुत जरूरत से ज्यादा आधुनिक हो गया है, हाईटेक। इस दौरान भ्रूण हत्याएं बहुत हो रही है, है ना? तो वो सारे लोग जिन्होंने जाने अनजाने में ऐसा किया है या हो गया है, हम आरोप नहीं लगाएं किसी पे, या हो गया है, उन लोगों को देवी कुष्मांडा की उपासना अवश्य करना चाहिए। उन लोगों को यदि कराया है तो देवी भगवती से बार बार प्रार्थना अवश्य करना चाहिए, बार बार क्षमा याचना अवश्य करना चाहिए। जो हम देखें तो बहुत छोटी सी बात है कि ठीक है ना, हो गया, DNC करा दी, लेकिन इन सब का असर जो है बहुत बड़ा होता है। तो यूं ही पाप और पुण्य की बात नहीं की जाती। एक बहुत गहरा मेरा अनुभव है कि जैसा आप कर रहे हैं वैसा कैसा आपको रिटर्न मिलेगा ही, ये प्रकृति का सिस्टम है, ये प्रकृति का विधान है। तो अब चूंकि हो गई गलती, वो हमने किया हमारे स्वार्थ वश या जो भी हुआ हो, तो यदि ऐसा कुछ हो गया है तो आपको उसके लिए भगवती दुर्गा से क्षमा याचना करनी चाहिए और पुनः विनम्र भाव से। पंडित जी, उन छात्रों के लिए कुछ उपाय बताइए जो मंद बुद्धि कह सकते हैं उन्हें, जो पढ़ने लिखने की जिनमें क्षमता नहीं होती है, तो उनको क्या कुछ खास उपाय नवरात्रि के दौरान करना चाहिए? कुष्मांडा देवी की हम बात कर रहे हैं, हम उसके अंडज हैं सारे, उनके संतान हैं हम। तो वो सारे बच्चे जो पढ़ने में बिलो एवरेज है, मंद बुद्धि कहना सही शब्द नहीं है, जो बिलो एवरेज जो है ऐसे बच्चे, क्योंकि वो दूसरे विधा में प्रवीण होंगे ना, अपारंगत होंगे दूसरे क्षेत्र में, तो जिनका पढ़ने में कम मन लगता है, सीधा सा मतलब ये कि जो उनका मस्तिष्क है उस तरफ काम कम कर रहा है, वो चीजों को याद कम रख पाता है या उसमें उसका मनोरथ नहीं है, सीधी सी बात। कद्दू का जो हलवा आप बनाएंगे, कुष्मांड का जो हलवा आप बनाएंगे, भगवती को आप भोग लगाएं, उसमें शहद डालें और वो प्रसाद बनाकर उसको फेंट कर अपना जो बालक है, अपनी जो बालिका है, उससे आप उसका सेवन कराएं। कोशिश करिएगा कि ये पूरे 9 दिन आप करा पाए तो ज़्यादा अच्छा, एक चीज। दूसरा, सफ़ेद चंदन उसके मस्तिष्क पर लेप करना प्रारंभ करें तो ज़्यादा बेहतर। तीसरा कि ये वाला जो स्थान होता है हाथ का, ये तर्जनी और मध्यमा के बीच का ये जो पोर्शन है, बहुत हल्के हल्के हाथों से 2-2 मिनट इसको दबाया करें। ऐसे ही यदि करते हैं तो वो जो बालक है या बालिका है उसका पढ़ने में वो बुद्धि जो होगी उसकी तीव्र होगी, उसकी याददाश्त जो है पढ़ने में उसकी जो मेमोरी वो अच्छी हो जाएगी, साथ ही वो याद रखने लगेगा चीज़ों को। इससे के अलावा यदि इससे भी आराम नहीं होता है तो एक उपाय आपको जरूर करना चाहिए, पत्रिका दिखाकर बाकी या तो जो बालक है या बालिका है उसका हाथ दिखाएं किसी हस्तरेखा विशेषज्ञ को या किसी विद्वान का पत्रिका ले जाकर दिखाएं और सीधा कान उसे एक बार उसे छिदवा लेना चाहिए। जी, माँ कुष्मांडा की पूजा में कौन कौन सी पूजन सामग्री विशेष होना चाहिए? वो सारी सामग्री, खास करके अखरोट होना चाहिए जी, कुष्मांड का हलवा, कद्दू का हलवा मैंने आपको बताया ही है, उसके पेठे आप बना सकते हैं। साथ में एक चीज कर सकते हैं यदि आप थोड़ा सा और आगे बढ़ के करना चाहते हैं, अपने आप को भगवती का अंडज मानकर उस भाव से आप उसे अर्पित कर दें। एक चीज, अब ये कैसे करें, इसका एक आसान सा तरीका, शिवलिंग देखा इस तरह का कोई एक गोल पत्थर लें, जो नर्मदा जी से लाया गया हो तो ज़्यादा अच्छा, नर्मदेश्वर हो तो ज़्यादा अच्छा, वो आप लाइए,
और यदि संभव हो तो वो आप किसी को दान कर दीजिए। बढ़िया पूजा उपासना करें, भगवती के सामने रख दें, पूजा उपासना करें और ऐसा मान के चलें कि इसमें साक्षात भगवान शिव हैं। अब सामने कुष्मांडा है, हाँ। है ना, जो हमारी माता है ये शिव हो गए, ठीक है ना। हमने पूरे भाव से आराधना किया, उपासना किया, पूजन किया और फिर आखिरी में जो भी योग्य आपको लगे उनको आप उसे दान कर दीजिए। ऐसा करने से मेरा ऐसा मानना है कि यदि कोई दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपको पितृ दोष है या काल सर्प तथा कथित यदि है तो वो दूर इससे होता है। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने कुष्ठ। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आखिर क्या है माँ कूष्ठमांडा की कहानी और कैसे इनका नाम पड़ा कूष्ठमांडा, देखते हैं माँ कूष्ठमांडा की पौराणिक कथाएं। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे माँ के अगले स्वरूप के साथ। नमस्कार। आई गिरी नंदिनी नंदितमे दिनी विश्व विनोद।